हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस, आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज हमारे पास में है नोकिया 130 म्यूजिक फ़ोन, जो कि ये 2G फ़ोन है। ठीक है, इसमें आपको एयरफोन भी देखने के लिए मिलता है, एक साल का गारंटी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सही चीज़ है। नोकिया में ये चीज़ आपको सारे फ़ोन में देखने के लिए मिलता है। पीछे में कुछ हाइलाइटेशन फीचर है जो कि आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। बॉक्स ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं कि बॉक्स में सबसे पहले आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। बाकी हर चीज़ को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बॉक्स जैसे ओपन करेंगे, फ़ोन को काफ़ी अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एयरफोन मिल जाता है और उसके बाद एक बैटरी मिल जाता है, जो कि 1450 mAh का बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगा। चार्जर, यूज़र गाइड, यही आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। चार्जर की बात करें तो वही आपको माइक्रो यूएसबी चार्जर आपको देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मल वाला। और एयरफोन की बात करें तो 3.5 mm का एयरफोन मिलता है, जो कि अच्छे क्वालिटी का है, लेकिन नोकिया ब्रांड नहीं है। यूज़र गाइड है, बैटरी का मॉडल आप पॉज करके यहाँ पर अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ हाइलाइटेशन फीचर है, जो कि हम आपको बताएंगे डायरेक्टली प्रैक्टिकल इस वीडियो में। और लुक्स और डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हैं। फ़ोन थोड़ा सा लंबा है, नीचे के साइड में आपको यहाँ पे माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको बिल्कुल प्लेन है। थिकनेस भी यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कितना है। ऊपर के साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग करने का पॉट और एयरफोन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको राउंड कलर का आपको स्पीकर देखने के लिए मिलता है और फ्लैशलाइट बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। आगे के साइड में यहाँ पे नोकिया का ब्रांडिंग है और यहाँ पे रबर वाला आपको कीपर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आप दो सिम लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जियो का सिम आप नहीं लगा सकते हैं। 4G सिम लगाएंगे काम करेगा, लेकिन 2G नेटवर्क पे। तो फ़ोन को हमने बिल्कुल अच्छे से पैक कर लिया है। यहाँ पे टोन सुनिए, नौ लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि इंडियन लैंग्वेज है। अलग अलग विलेज में अगर बिलोंग करते हैं आप तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आपके अपने हिसाब से जो है, अपने स्टेट के हिसाब से लैंग्वेज आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, जो एजेड लोग होते हैं उनके लिए समझने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले हम कॉल लॉग में जाते हैं। कॉल लॉग में आपको रिसीव कॉल, मिस कॉल, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पीड डायल का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम कॉन्टैक्ट मेमोरी की बात करें तो करीब करीब 2000 तक जो है आप इसमें आप रख सकते हैं कॉन्टैक्ट को सेव करके। एक पहले से है और 1999 फ्री दिखा रहा है, आप जो कि क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि इसमें आपको अलार्म देखने के लिए मिल जाता है, और अलार्म में जैसे कि अलग अलग आप अलार्म लगा सकते हैं। FM रेडियो का ऑप्शन मिल जाता है, और ये बिना एयरफोन के भी काम करता है और एयरफोन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, जैसे कि आप चाहे FM का रिकॉर्डिंग करना तो आप नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड स्पीकर है, जैसा कि क्लेम करते हैं। लाउडनेस के बारे में जैसे कि बात करें तो सुपर फोन के हिसाब से ठीक ठाक लाउडनेस है इसका। यहाँ पे आपको म्यूज़िक मिल जाता है, अगर आप 32 GB मेमोरी कार्ड लगाएंगे उसमें कुछ म्यूजिक है आपका तो आप म्यूजिक का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और MP3 आप सुन सकते हैं, पुराने गाना जैसे कि जब लोग सुनना पसंद करते हैं तो सुन सकते हैं। मैसेज मिल जाता है, मैसेज के बाद में यहाँ पे आपको कैलेंडर देखने के लिए मिलता है, जो कि सभी फ़ोन में ये चीज़ मिलता है। फ्लैशलाइट मिल जाता है, फ्लैशलाइट अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आपको बिल्कुल पीछे के साइड में है और बिल्कुल आपको स्पीकर के बीच में देता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। और आगे जैसे कि इसमें देखेंगे तो आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है, जो कि प्लस माइनस गुना भाग यही आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा एडवांस कैलकुलेटर नहीं है। स्नैक वाला गेम यानी सांप वाला गेम आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि ये पुराने वाले फ़ोन में जो नोकिया के आते थे वही आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक तरह से ये नोकिया का सिग्नेचर गेम हो चुका है। उसके बाद जैसे कि फाइल में आप मेमोरी लगा सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो मेमोरी लगाएंगे तो वही है कि आपको कुछ गाने वगैरह सुनने का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप साउंड देख लीजिए, साउंड काफ़ी अच्छा है इसका। वॉल्यूम को आप यहीं से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और साउंड सुन सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे तो वॉलपेपर आप 6 लगा सकते हैं, लेकिन अलग से आप वॉलपेपर इसमें फ़ोटो वगैरह का नहीं लगा सकते, जो कि खुद का अपना होना चाहिए, वो नहीं कर सकते हैं। आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्क्रीन का जो स्टैंड बाई टाइम है वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएंगे तो वही आपको साइलेंट वगैरह ये सब करने का ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइजेशन तरीका से। फ़ोन सेटिंग्स में जाएंगे तो लैंग्वेज सेटिंग्स आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप कीबोर्ड सेटिंग्स देख सकते हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं, आपके मोबाइल बार बार ले लेते हैं, कुछ गलत कर देते हैं उसमें, तो उसके लिए सही है पासवर्ड। बाकी यहाँ पे नॉर्मली सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि सारे नोकिया कीपैड फोन में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें और भी गेम्स है जो कि आपको परचेज करना पड़ेगा, तो आप ये नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा। सांप सीढ़ी गेम आपके लिए काफ़ी है, इसमें बहुत सारे गेम को ऐड कर दिया गया है जो कि आप खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको
तीन बार तो फ्री खेलने के लिए मिलेगा, लेकिन बाद में आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आते हैं कुछ डाउट्स के तरफ में, जैसे कि इसमें बहुत लोग दावा करते हैं कि फेसबुक मिलेगा कि नहीं, हॉटस्पॉट मिलेगा कि नहीं, वाईफाई मिलेगा कि नहीं, यूट्यूब मिलेगा कि नहीं, इंटरनेट मिलेगा कि नहीं। तो इसमें 2G नेटवर्क है, इंटरनेट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फेसबुक भी नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप भी नहीं मिलेगा, वाईफाई भी नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ भी आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। ब्लूटूथ देना चाहिए था क्योंकि ईयरबड्स आजकल आ जाते हैं तो वो लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप ईयरफोन से ही काम चला सकते हैं। तो देखिए फाइनली अगर हम जैसे कि अगर ओपिनियन की बात करें तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे अगर तो 1700-1800 प्राइस है इसका, और एक साल के गारंटी के साथ में आपको चाहिए एजर्ट लोग को देना है तब इसको बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।